सिर्फ महाराष्ट्र एमरजेंसी हेल्थ को लेकर के एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोरोना को भगाने के लिए बिल्कुल नाकाम हो रही है और सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। और अभी आपने देखा कितनी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। भारत का भी संकल्प है कोरोना को हराना है। 4 दिन और बाकी हैं 21 दिन के लॉकडाउन में, लेकिन इस महामारी के दौरान भी कोरोना क्या आतंकवाद का हथियार बन सकता है? क्या कोरोना के जरिए भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा सकती है? कोरोना आतंकवाद, जी हाँ। आपको मैं कुछ चिट्ठियां दिखाऊंगा, आप इसको समझेंगे। ये चिट्ठी आपको बता दें, SSB की तरफ से, सीमा सशस्त्र बल SSB के इंटेलिजेंस विंग की तरफ से लिखी गई है। और इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि जालिम मुखिया नाम का जो एक शख्स है नेपाल का रहने वाला, वो 200 से 250 कोरोना संदिग्ध मुसलमानों को 200 से 250 कोरोना संदिग्ध मुसलमानों को नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ उनकी कराना चाहता है। दो चिट्ठियां इस वक्त मेरे हाथ में भी है, दोनों चिट्ठियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। एक DM की तरफ से लिखी गई है और एक SSB की इंटेलिजेंस विंग की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी गई है। दोनों चिट्ठियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना आतंकवाद का खतरा देश पर। हालांकि आपको बता दें, घुसपैठ हुई नहीं है, लेकिन घुसपैठ की फिराक में है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ शुरुआत करते हैं सुधांशु त्रिवेदी, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। MS भिट्टा साहब आपको नजर आ रहे हैं, वसीम रिजवी हैं, राजीव रंजन हैं, JDU से हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले MS भिट्टा साहब, ये अगर कोरोना आतंकवाद, कोरोना जैविक हथियार आतंकवादियों के लिए, ये तो टेररिज्म से भी ज्यादा डेंजरस होगा मेरे ख्याल से। जितने लोगों की मौत महामारी की वजह से हुई है, जितने केसेस आए हैं पूरी दुनिया भर में, ये तो आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक कोरोना जैविक हथियार। अमन जी, जो पहली बात तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आज पूरा हिंदुस्तान विश्व के अंदर आपको हमको देख रहा है। हम देखो बड़ी कोठियों में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आम पब्लिक जो 5-5 लोग, गरीब लोग, मीडियम लोग, बड़े बड़े फ्लैटों में लोग अपने कमरों में बंद है, बाहर आ नहीं सकते। मेरी आपसे गुजारिश है, लोग दुखी हैं, लोग रो रहे हैं कि कल क्या होगा, जिएंगे नहीं जिएंगे, रिश्तेदार जिंदा रहेगा, भाई बहन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। मेरी हाथ जोड़ के सबसे पहले रिक्वेस्ट है, हम यहाँ राजनीति ना करें, तू मैं की पॉलिटिक्स ना करें, नहीं तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। पार्टी के लीडर तो खुश हो जाएंगे, पर लोग माफ नहीं करेंगे। जो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरा, जो द्रिवेदी जी ने बोला, एक एक उनकी लाइन को, एक एक उनके पॉइंट को समझिए, ये कितना खतरनाक आतंकवाद है। देखो, मानव बम आते हैं, मारते हैं, 50-60-20 लोग मर जाते हैं। मेरे ऊपर इतने कार बम चले, कितने लोग मारे गए, 35 एक बार 25 एक बार 70 मारे गए। ये तो ऐसा एक खामोश बम है, खामोश आतंकवाद है, जो लाइनों की लाइनों तबाह करता हुआ ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हमारी जनरेशनों को तबाह कर देगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। आज 120 कंट्रियों में कोरोना फैल चुका है और हिंदुस्तान में अब भी देखो हमारा कितनी, हम अच्छे हैं। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपके अशोक गहलोत, दिल्ली के केजरीवाल साहब, UP के अंदर मायावती योगी जी के साथ पूरा मिलके एक कॉम्बिनेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ मानवता की रक्षा के लिए चला है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है। यह एक शक्ति है कोरोना को भगाने की, यह एक ताकत है, कोई राजनीति नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या हम अपने धर्म गुरु, जिस तरीके से अकाल तख्त के जथेदार पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर, उन्होंने ऐलान किया घरों में रहिए, उन्होंने ऐलान किया लंगर लगाइए, उन्होंने ऐलान किया, हमारे गुरुओं ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, मानवता की रक्षा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, घर घर खाना पहुंचाइए, और बॉर्डरों को सील कर दिया गया पंजाब के अंदर। आप देखिए, आप यूपी में भी देखिए, हर जगह पे अपनी अपनी जिम्मेदारी को, हर व्यक्ति कोरोना मानव बमों से, ये देवेंद्र फडणवीस ने भी इनको मानव बम का,
ये तो आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा खतरा हुआ ना, ये तो जैविक हथियार हुआ। बात सुनो, ये सबसे पहले अमन जी मैंने इस चीज को कहा था, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं फर्ज करो कुछ समय के लिए मुझे सिख, मैं कहता नहीं मैं भारतीय अपने आप में सिख समझ लीजिए, अगर मैं अपने धर्म के जो गुरु हैं उनकी नहीं मानूंगा और जगह जगह घूमता रहूंगा और मानव बम फैलाता रहूंगा तो फिर कौम के लीडर का क्या फायदा। मेरा आपसे एक सवाल है, पार्टी का कोई लीडर हो, अगर पार्टी का लीडर कहता है वर्कर को, आप मुझे बताइए हम लाखों की रैलियां करते, करोड़ों की रैलियां करते, प्राइम मिनिस्टर जाते, ऑपोजिशन लीडर जाते करते, आज वर्कर जनाब अच्छा, जिस पर आरोप है बेटा साहब जालिम मुखिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, आज वर्कर की जिम्मेदारी है। हम पूछ रहे हैं ना संक्रमण के, कोरोना के कितने जालिम, हम ये सवाल पूछ रहे हैं ना, जिस जालिम मुखिया का जिक्र एसएसबी ने अपनी इस चिट्ठी में किया है वो तस्वीर जालिम मुखिया की आपकी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, यही है वो जालिम मुखिया जो 200 से ज्यादा 200 के करीब कोरोना संक्रमितों को भारत में नेपाल के रास्ते बिहार में घुसाने की फिराक में है। एसएसबी की इंटेलिजेंस विंग की तरफ से चिट्ठी में इस बात का खुलासा किया गया। देखो जो पूर्व चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र जी ने बोला, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और सही बोला, अभी भी मैं इनको देख रहा था किसी चैनल में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोरोना को भगाने के लिए बिल्कुल नाकाम हो रही है और सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। और अभी आपने देखा कितनी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम लोग जेड प्लस सुरक्षा में घरों के अंदर हैं, 21 को ऐलान हुआ, सुबह हमने जाना था लुधियाना, पारिवारिक कोई बहुत जरूरी काम था, सुबह ऐलान करके सुरक्षा को भेज दिया, परिवारों को छोड़ दिया, अपने घर में बैठे। और ये बिल्डर माफिया वाधवा को 120 लोगों की वहां का होम सेक्रेटरी परमिशन दे रहा है, तो बताइए महाराष्ट्र सरकार कितनी सिंसियर है। नरेंद्र मोदी, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, योगी, केजरीवाल सब मेहनत में लगे हैं और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये मिलीजुली सरकार ये गंदे फैसले करके महाराष्ट्र के लोगों के साथ मानवता की हत्या कर रही है। मेरा कोई राजनीति किसी से संबंध नहीं, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, अमन जी फिर मिलेंगे, भगवान कृपा करे ऐसा ना हो, मैं कह दूं महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र एमरजेंसी हेल्थ को लेकर के एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, नहीं तो मक्खियों और मच्छरों के बाद आपके पास देवेंद्र फडणवीस मारे जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है बेटा साहब, राजनीति सुधांशु त्रिवेदी साहब आपका भी विशेष तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग देशों में कितने मामले, कितने टेस्ट और अभी फिलहाल क्या स्थिति, लगातार आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। फिलहाल के लिए काल ठोक के में अभी इतना ही।